मनमस्त फकीरी धारी है, अब एक ही धूम जय जय भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, शीतला माता की, शीतला माता की, भूरा देव की, भूरा देव की, दंतेश्वरी माता की, दंतेश्वरी माता की। सब जनता को जय जोहार। लोकप्रिय सांसद कांकेर श्री मोहन मांडवे जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री सतीश लाठिया जी, भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री गौतम वेग जी, पूर्व विधायक श्री देवलाल दुग्गा जी, श्रीमती सुमित्रा मार्कोले जी, विधानसभा प्रभारी श्री राजाराम तड़ेम जी, श्रीमती पिंकी ध्रुवशाह जी, श्रीमती शालिनी राजपूत जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, माता कौशल्या की जन्मभूमि और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ की धरती को मैं नमन करता हूं। भाइयों बहनों, में प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या के प्रदेश उत्तर प्रदेश से आपके बीच में आया हूं और एक महत्वपूर्ण संदेशा लेकर के आया हूं कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य अब पूरा होने जा रहा है। जनवरी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा राम मंदिर में प्रभु श्री राम की मूर्ति को स्थापित करने का कार्य संपन्न होगा और आप सब जानते हैं कि यह अवसर होगा देश के अंदर राम राज्य की स्थापना की घोषणा का। राम राज्य का मतलब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला, हर दलित, हर वंचित, हर आदिवासी, हर वनवासी, हर गिरिवासी, हर एक उस व्यक्ति को जो आजादी के बाद से वंचित है उस तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने का। और इस दृष्टि से ननिहाल में कोई कमी न रह जाए, इसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए विशेष रूप से इस बस्तर में मैं आया हूं। भाइयों बहनों, ये वही भूमि है जहां 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान ने संकल्प लिया था, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन। उन्होंने एक संकल्प लिया था उस समय और भगवान ने एक ही संकल्प लिया था, जब तक इन निशाचरों को, इन राक्षसों को मैं समाप्त न कर दूं, तब तक
ये मेरा संकल्प है कि चैन से नहीं बैठूंगा। और आज आप सभी भक्तों से मेरा आह्वान होगा, हम सब छत्तीसगढ़ वासी आज संकल्प लें कांग्रेस के भ्रष्टाचार को सदैव के लिए दफन करने का। ये सरकार जो झूठ बोलती है, ये सरकार जो गरीबों के ले आने वाली योजना को हड़प जाती है, ये सरकार जो किसानों पर अत्याचार करती है, किसानों का शोषण करती है, राम भक्तों का अपमान करती है, इस सरकार को एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं है, एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, लोकतंत्र के इस व्यवस्था में यह अधिकार आपके हाथों में है। अगर आपने सत्ता सौंपी है तो कान पकड़ करके उसको सत्ता से बाहर भी करिए, अगर वह आपके हितों पर कुठाराघात कर रहा है तो। और कांग्रेस ने तो यही किया है, एक कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है झूठ बोलना, बहकाना, एन के प्रकार सत्ता हड़प लेना। और सत्ता जब प्राप्त हो जाए तो प्राप्त होने वाली सत्ता को भ्रष्टाचार का अड्डा बना देना, आश्चर्य होता है हमें। पहले केवल माइनिंग का आरोप लगा था और माइनिंग के भ्रष्टाचार के कारण छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा होना पड़ा था, लेकिन अब माइनिंग के बाद यहां पे विकास की विभिन्न योजनाओं में भ्रष्टाचार की शिकायत भी आ गई और इस शिकायत अब यहां तक पहुंच गई है कि भाइयों बहनों, इनके एक पार्टनर ने बिहार में चारा घोटाला किया था, इन्होंने छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला कर दिया। अब याद करिए, यानी गाय का गोबर भी 10 रुपए किलो के हिसाब से 1300 करोड़ रुपए हड़प लिए, और 1300 करोड़ रुपए हड़प लिए, पता लगा गाय का गोबर कहां से खरीदे थे जहां गाय थी ही नहीं, और गोबर के बदले मिट्टी भर करके भेज दिया गया। ये तो कांग्रेस की प्रवृत्ति है। और भाइयों बहनों, आज इसीलिए हम कहने के लिए आए हैं, ये सरकार धोखा कर रही है यहां के नागरिकों के साथ, यहां के वनवासियों के साथ, यहां के आदिवासियों के साथ, यहां के बंधुओं के साथ, यहां के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के साथ, यहां के किसानों के साथ, यहां के युवाओं के साथ इस सरकार और कपट करके बहकाने का प्रयास। उत्तर प्रदेश में हमने कानून बनाया, अगर कोई दुस्साहस करता है कानून के शिकंजे में कस करके उसको पूरी तरह तेल निकाल दिया जाता है उसका। योगी 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 योगी। भाइयों बहनों, हमें आश्चर्य होता है यहां की सरकार धर्मांतरण की अनैतिक गतिविधियों को प्रश्रय देती है। भोले भाले गिरिवासी, वनवासी, आदिवासियों को बहका करके उन्हें अपनी व्यवस्था के खिलाफ भड़काने का कार्य करती है। और भाइयों बहनों, उन्हें सुविधाओं से वंचित करके बहकाने का जो पाप यहां की सरकार कर रही है, यह क्षम्य पाप है। आप याद करिए, जिन बंधुओं ने हजारों वर्ष पहले त्रेता युग में प्रभु श्री राम के साथ खड़े होकर के उस समय इस पूरे क्षेत्र को राक्षस बीन किया था, आज उन बंधुओं के साथ छल, ये तो भगवान के साथ छल करने जैसा है। और इसीलिए आज मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, एक कांग्रेस एक तरफ अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है, भ्रष्टाचार फैला रही है, अराजकता फैला रही है, राम भक्तों को लाठी चार्ज करवाती है, तो
तो दूसरी ओर इस सरकार के द्वारा लगातार यहां के लोगों को, यहां के नागरिकों को विकास की योजनाओं से वंचित करने का पाप भी किया गया। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको हर घर नल से जल मिला? यहां जल मिला क्या? नहीं मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपको आश्वस्त कर रही है, टोटी से जल, नल से जल पहुंचाने का काम हम देंगे। भारतीय जनता पार्टी का वायदा है, प्रधानमंत्री मोदी जी देंगे।